नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। जी हाँ साथियों, बहुत से साथियों के एक ही सवाल आ रहा है कि इसमें कौन अप्लाई कर पाएगा। तो साथियों, मैं आपको थोड़ा सा एक डाउट आपका क्लियर कर देता हूँ। बाकी आपका जैसे ही रजिस्ट्रेशन शुरू होगा तो आपको मैं स्टेप टू स्टेप पूरा फॉर्म भर के बताऊँगा। 26 तारीख का वेट कर लीजिए। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा डाउट आपका क्लियर कर देता हूँ। हरियाणा कौशल की भर्ती में कौन कौन अप्लाई कर पाएगा, फ्रेशर या एक्सपीरियंस वाले? तो ये देख लीजिए साथियों, जैसे हम साइट के ऊपर आते हैं, ये देख लीजिए साथियों, जैसे ही हम साइट के ऊपर स्टार्टिंग का पॉइंट पे आते हैं ना, तो ये देख लीजिए यहाँ पर इन्होंने लिख दिया था कि रजिस्ट्रेशन ओनली दोज कैंडिडेट हु हैड यानी कि अर्लियर वर्कड ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट, यानी कि जो अभी फ़िलहाल के लिए काम कर रहा है ना हरियाणा गवर्नमेंट की सरकार में, तो वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है इसके अंदर, यानी कि जो स्टार्टिंग का पॉइंट है। लेकिन साथियों, अब जो हम ये जो जॉब एडवर्टाइजमेंट दे रखी है ना, तो इसके अंदर ये देख लीजिए बाकायदा इन्होंने एक पॉइंट डाला है यहाँ पर, ये देख लीजिए इन्होंने लिख दिया है, काइंडली नोट रजिस्ट्रेशन फॉर ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैड अर्लियर नॉट वर्कड। ये देख लीजिए साथियों, इससे हो सकता है आपका कुछ डाउट क्लियर हो जाए। ये देख लीजिए यहाँ पे इन्होंने लिख दिया कि नॉट वर्कड विथ हरियाणा गवर्नमेंट, जो कोई अगर इसके अंदर हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर अभी फ़िलहाल काम नहीं कर रहा या जिसने नहीं किया है, तो वो भी इसके अंदर अप्लाई कर पाएगा। काइंडली नोट रजिस्ट्रेशन फॉर ओनली दोज कैंडिडेट, यानी कि वही कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कर पाएगा जिसने हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर काम नहीं किया है। अब बात आती है कि जिसने काम किया हुआ है वो क्या रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे? जी हाँ साथियों, वो भी रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे जैसे ही 26 तारीख आती है। जैसे ही 26 तारीख आती है तो आपको अपने चैनल पर पूरा स्टेप टू स्टेप फॉर्म भर के फिल करके दिखाया जाएगा कि कौन फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं भर सकता। लेकिन मेन मकसद तो यही था कि जिसका एक्सपीरियंस नहीं है तो वो भी इसके अंदर बकायदा फॉर्म भर सकता है साथियों। तो ये देख लीजिए इन्होंने बकायदा लिख दिया है कि हु हैड अर्लियर नॉट वर्कड, यानी कि फ़िलहाल के लिए कोई काम नहीं कर रहा, जिसने हरियाणा गवर्नमेंट के साथ काम नहीं किया, तो वो भी इन के अंदर अप्लाई कर पाएगा साथियों। ठीक है, सिर्फ अपनी एक क्वालिफिकेशन चेक कर लेना, ठीक है। बाकी जिसने जो राजमिस्त्री का इनका जो इनके लिए भी पूछ रहे थे, राजमिस्त्री वाला वही अप्लाई करे जिसने काम किया हुआ हो साथियों, ठीक है। बाकी हमें तो राजमिस्त्री का क्या पता, जिसको काम ही नहीं किया तो उसको राजमिस्त्री का क्या पता कि इसका क्या काम होगा, ठीक है साथियों। तो बाकी आपको फॉर्म स्टेप टू स्टेप भर के बता दिया जाएगा, इनमें से एक फॉर्म तो ज़रूर भरा जाएगा, तो आपको बता दिया जाएगा साथियों। तो तब तक के लिए आपका बस यही डाउट था जो क्लियर करना था। तो आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।